कल हमने निफ्टी 50 के चार्ट पर डिस्कस किया था, अगर निफ्टी 18300 के आसपास है, उससे ऊपर की गैप अप ओपनिंग देता है तो 18250 का इंपॉर्टेंट लेवल, इसके ऊपर गैप अप दे देगा मार्केट, ये गैप अप फेल करके नहीं जा सकता, मॉर्निंग में गिरावट मिल सकती है गैप अप के बाद। आज आपको एक अच्छी गिरावट दिखाई दी मार्केट में, दो तीन अच्छे सेल ट्रेड मिले। कल होने वाला है एक वीकली एक्सपायरी और निफ्टी के लेवल अभी हम थोड़े से देखें तो आप देखोगे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और ये ट्रेंड लाइन देखो यहां से आ रही है और इसके आसपास ही मार्केट अभी चल रहा है। अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा 100-150 पॉइंट और नीचे आके एक दो दिन होल्ड कर जाता है तो यहां से फिर आपको सेल सिग्नल मिल जाएगा मार्केट में लॉन्ग टर्म का और मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। पर ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही चल रहा है, यहां पर ये 18000 राउंड नंबर के आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकल सकता है तो एक दो दिन देखेंगे उसके बाद में लॉन्ग टर्म का ट्रेंड डिसाइड करेंगे। फिलहाल हम बात करें कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, 18120 के आसपास क्लोजिंग मिली है, फ्यूचर्स करीब चल रहे हैं 18200 पर, फ्यूचर की ओपनिंग आजकल बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गई है, कभी गैप अप आता है कभी गैप डाउन आता है तो उसको छोड़ देते हैं। निफ्टी में 18120 के आसपास हमें आज क्लोजिंग मिली है, नीचे का सपोर्ट क्या निकल के आएगा, राउंड नंबर 18000 हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट होने वाला है, ठीक है 18000 से लेकर 18050 के आसपास मार्केट नीचे गिरता है, यहां पर सपोर्ट बनाता है, इवन 17950 तक भी, 17950 तक के ये मान के चलो 17950 से 18050 ये 100 पॉइंट पूरा सपोर्ट जोन है जहां पर आपको अगर मार्केट नीचे गिरने के बाद में बुलिश पैटर्न देता है तो आपको बाय करना चाहिए, कल एक्सपायरी पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन पर भी कहीं 18000 की प्राइस पे कॉल राइटर्स कितने बैठे हैं, 18200 की प्राइस पे भी यहां पर 200000 बैठे हैं तो 18200 के नीचे ही मार्केट रहेगा, पर जो पुट राइटिंग है ना, पुट राइटिंग कहीं ना कहीं यहां पर 18000 के लेवल के आसपास 200000 की पुट राइटिंग भी यहां पर 1,84,000 की पड़ी है तो 18000 पे पुट राइटर्स का मतलब ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट, 18200 पे कॉल राइटर्स का मतलब हो गया ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो मार्केट के लिए 200 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर सकता है अगर मान के चलो यहां पर बाय एनी चांस, मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के दिखाता हूं, यहां पर अगर मार्केट 18200 के ऊपर की गैप अप ओपनिंग फिर से देता है, देखो यहां पर 18120 पे क्लोजिंग मिली है ठीक है, 18200 पे कॉल राइटर बैठा है, कॉल राइटर क्या सोचेगा कि गैप अप मिल रहा है वापस से जो कॉल है महंगी मिल रही है मैं इसको बेच देता हूं, 18200 के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिलती है फिर से आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि 18200 पे एक कॉल राइटर बैठा है। जब 18250 के ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करेगा उसके बाद में एक बुलिश ट्रेड की सोचेंगे, अदरवाइज कल हम मार्केट में थोड़े सेलिंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, गैप अप आ जाता है 18200 के ऊपर तो आपको एक सेलिंग मिलेगी, मार्केट अगर छोटा सा गैप डाउन आ जाता है तो 18000 से 17950 इसके आसपास सपोर्ट देख के या बुलिश कैंडल देख के आप यहां पर बाइंग प्लान कर सकते हो, बट इसी जगह पे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो फ्लैट ओपनिंग में वेट रहेगा। 18100 एक ऐसा लेवल है जहां पर ना सेल है ना बाय है, जहां पर आज की क्लोजिंग मिली है, 18200 पे रेजिस्टेंस है और नीचे 18000 पे अगर सपोर्ट है तो बीच में कहीं ओपन हो रहा है तो यहां पर आपको कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें यहां पर बैंक निफ्टी की, 41,750 आज बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था हो सकता है आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग दिया, 41,950 को भी टच किया, पहले 850 की ओपनिंग थी आज 950 का हाई लग चुका है, आज का जो हाई है वही यहां पर हमारे लिए ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी के अंदर डेली कैंडल के अंदर बन चुका है, पर नो डाउट यहां पर पहले हमें मिला एक हैंगिंग मैन पैटर्न उसके ऊपर मार्केट निकला है तो टोटली हमारे पास एक रेड कैंडल है, मतलब यहां से बैंक निफ्टी वीक हो सकता है, कंफर्म अभी नहीं हुआ है, कंफर्म तब होगा जब इसके पास यहां पर एक और एक दो दिन रेड कैंडल बनेगी तब कंफर्म होगा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना और मुश्किल लग रहा है, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, पर चांसेस हैं कि कल की एक्सपायरी थोड़ा सा सेलिंग साइड ही जाएगी और अगर बाउंस मिलना होगा ना तो बाउंस ही आपको 2 से 2:30 बजे बाद कल देखने को मिलेगा, 1:30-2 बजे के बाद में जब कॉल राइटर्स पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को कवर करते हैं एक्सपायरी वाले दिन, उसी दिन फिर मार्केट ट्रेंड भी पकड़ लेता है एक्सपायरी वाले दिन। अगर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें यहां पर आप देखोगे एक तरीके का पैटर्न है पिछले 10 दिन की रेंज में इसी के बीच में चल रहा है, अगर नीचे भी गिरता है तो 41000 मैक्सिमम टारगेट है, इससे नीचे नहीं देखेगा क्योंकि यहां पर ये जो है एक रेंज के अंदर चल रहा है पिछले 10 दिनों से। क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर अभी कहां पर मिली है, 41,700 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है, यहां पर हमें दिख रहा है एक एम पैटर्न, अगर फ्लैट ओपनिंग देके बैंक निफ्टी 41,600 के नीचे निकलता है या 650 के नीचे निकलता है इस एम पैटर्न को ट्रेड करेंगे, 41,650 के आसपास हमें सेल करने को मिलता है तो 41,500 तक इसको 150 पॉइंट के लिए हम बस ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग साइड पे, बट क्या 100 इसी के आसपास ही हमें ओपनिंग देगा, अगर ओपनिंग नहीं देता है तो क्या करें, मान लो निफ्टी में अगर गैप डाउन की सोच रहे हैं या गैप अप की सोच रहे हैं तो बैंक निफ्टी भी सेम करता है, अगर कल बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग आती है 41,900 से 850 रेजिस्टेंस बनेंगे, ऑल टाइम हाई है, यहां पर नेगेटिव कैंडल देख
देख के फिर से सेलिंग बैंक निफ्टी में भी प्लान कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पे निफ्टी भी रिजेक्ट ले रहा है तो बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन लेगा। दूसरी बात, यहां पर अगर गैप डाउन आ जाता है तो पहला सपोर्ट है आपके पास 41,500 से 450 का। ये सपोर्ट के आसपास छोटी सी बाइंग बन सकती है। अगर यहां पर पैटर्न बनता है बुलिश पैटर्न तो इधर से बाइंग बनेगी। अगर 400 के नीचे निकल गया तो सेलिंग थोड़ी सी वीक ही रहेगी, ज्यादा सेलिंग नहीं आएगी। 41,250 पे फिर से सपोर्ट है, नीचे 41,000 के आसपास फिर से सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट के आसपास हम बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान करेंगे जो भी बुलिश पैटर्न या कैंडल बनती है। बट इस जगह पे अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है या ऊपर मिलता है तो ऊपर के लेवल पे आपको बैंक निफ्टी में एक सेल ट्रेड मिल सकता है, जो लेवल मैंने आपको बताया 41,900 के आसपास या फिर 41,650 के नीचे, इधर आपको एक सेल ट्रेड मिल सकता है। रेंज को ट्रेड करो, एक्सपायरी के दिन जब रेंज को ट्रेड करते हैं ना तो रेंज के अंदर भी हमें अच्छे प्रॉफिट मिल जाते हैं। लोग ये सोचते हुए रह जाते हैं कि यहां पर मैं बाय कर लेता हूं, यह 42,500 ऐसे निकल जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता है, एक्सपायरी मोस्टली साइडवेज जाती है। 41,900 आपको दिख रहा है आज रेजिस्टेंस बना निफ्टी में, 18,200 का आपको रेजिस्टेंस, कॉल राइटर्स भी बहुत हैवी दिख रहे हैं 2,00,000 के। तो ये रेजिस्टेंस को मान लो, रेजिस्टेंस पे गैप ऑफ ओपनिंग दे रहा है, वापस आ रहा है, तो यहीं पर रेड कैंडल देख के सेलिंग प्लान कर दो। ये मत सोचो कि यहां से ऊपर निकलेगा। अगर ऊपर निकल गया तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सेलिंग में एक एसएल जाएगा, उसके बाद में हम ऊपर टिक गया तो बाय कर लेंगे वापस से। बट मोस्टली केसेस में रेजिस्टेंस फेस होते हैं एक्सपायरी के दिन, मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ सकता है। उसी तरीके से सपोर्ट के आसपास 41,000 सपोर्ट है, यहां मिल जाता है मॉर्निंग में गिर जाता है, आप सेल ट्रेड नहीं कर पाए। 41,000 पे सपोर्ट ले रहा है, 12-1 बजे के बाद में यहां पर एक बुलिश ट्रेड लो। 41,350, 400, 550 इनके आसपास सपोर्ट है, यहां पर आप बुलिश ट्रेड अगर दिख रहा है आपको तो लो। ऐसे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो, रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय का प्लान करो। इसके अलावा कोई अपना यूनिक दिमाग मत लगाओ कि यहां निकल जाएगा वहां निकल जाएगा, ऐसे एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है।